हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ डबल पेंडुलम। जो डबल पेंडुलम है हमारा, वो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का पार्ट है और इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे, इसमें इसके वाइब्रेशन कैसी होगी, कैसे इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी, कैसे इसके प्रिंसिपल मोड्स निकाले जाएंगे, कैसे इन मोड शेप्स को ड्रॉ किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लेटेस्ट या लास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा के देखें तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, ये जो हमारा पेंडुलम है, ये एक स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, ये L1, इसकी लेंथ है ये L1, क्लियर, ठीक। और इस पर मास लगा हुआ है अटैच M1। दूसरा स्ट्रिंग इस मास M1 के नीचे है जिसकी लेंथ है L2, और इसका जो मास सबसे एंड में लगा हुआ है M2, क्लियर। सपोज हमने इस मास M2 को होल्ड किया और डिस्प्लेस किया, इस तरफ लेकर गए हम, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट हमने की इसकी, सपोज हम इसको डिस्प्लेस करके लेकर गए इस सेकंड फिगर में, देखिए X2 डिस्टेंस तक, X2 तक हम इसको लेकर गए, क्लियर। अब जब हम इसको X2 तक लेके गए तो हमारा मास जो वन है, M1 है, वो भी डिस्प्लेस होगा। सपोज वो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है X1, क्लियर। तो ये जो मास M1 है, ये इस हिंज पॉइंट के अबाउट, ये जो हमारा रोटेशनल पॉइंट है, हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट एंगल बना रहा है थीटा 1, और मास M2 हमारा इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। मास M2 की रोटेशन किसके अबाउट है, इस मास M1 के, जहाँ पे ये हिंज है मास M1 पे, उसके अबाउट इसकी रोटेशन है, तो उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। अब हमने देखना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। सपोज ये मास M1 हमारा डिस्प्लेस है, ये क्या है हमारा M1, क्लियर। अब इसकी जो स्ट्रिंग एक ये गई है, इसमें सपोज है टेंशन T1, क्लियर। हम मानते हैं कि जब हमने इसको डिस्प्लेस किया इस मास के कारण, इसमें टेंशन है T1 फर्स्ट में, और सेकंड वाले में टेंशन है T2। ये हम अपनी अजम्पशन लेके चलते हैं, इसमें टेंशन T1 है और ये T2 है। जब ये T1 इधर टेंशन है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा 1। कौन सा एंगल हमारा, ये एंगल, ये कितना होगा हमारा थीटा 1, क्लियर। अब ये हमारा T1 इस वाले स्ट्रिंग पे है, तो T2 भी हमारा इधर एक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या है T2, और T2 इस वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा 2, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है। जब ये मेरा मास M1 इधर डिस्प्लेस होके आया, तो इसकी एक इनर्शिया फोर्स किधर लगेगी, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन सी थी इसकी, ये डॉटेड लाइन। तो इस डॉटेड लाइन के अबाउट क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब, और वो डिस्प्लेस होकर आएगा ये M1 X1 डबल डॉट, ये इसकी क्या हो जाएगी, इनर्शिया फोर्स हो जाएगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लाइन, क्लियर। सेकेंड थिंग, अब हम अपने टेंशन T1 और T2 को क्या कर देते हैं, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर देते हैं। T1 का एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा T1 cos थीटा 1, और T1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा, वो होगा T1 sin थीटा 1, क्लियर। नाउ T2 का एक कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड एक्ट करेगा, ये होगा T2 sin थीटा 2। इसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, वो होगा T2 cos थीटा 2, क्लियर। ये तो हो गया कि हमारे मास M1 पर कौन कौन सी टोटल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उस फोर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। और एक इस पे क्या लगेगा, M1g। मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट में कि कभी भी वर्टिकल बार या वर्टिकल स्ट्रिंग पे मासेज हैं, उनका अगर डिस्प्लेसमेंट आप करते हैं वर्टिकल, अगर वो वर्टिकल हैंग कर रहे हैं या वर्टिकल पोजीशन में हैं, तो हमेशा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को पिक्चर में लेना है, मतलब आपने उस बॉडी का वेट लेना है mg, क्लियर। तो ये हमारा पेंडुलम वर्टिकल, जिसमें हमारा mg कंपोनेंट भी आएगा, ठीक। अब हम दूसरे मास पे आ जाते हैं, दूसरा मास है सपोज मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे। अब अगर आप फोकस करें तो ध्यान से देखें, तो इस पे एक टेंशन लग रही होगी, ये T2, क्लियर।
इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है m2g, वर्टिकल है तो m2g लगेगा ही, ठीक है। अब जब ये हमारा डिस्प्लेस होकर राइटवर्ड आया तो लेफ्टवर्ड हमारा क्या लगेगा, इनर्शिया फोर्स एक्ट करेगा और वो होगा m2x2 डबल लोड, क्लियर। अब देखिए जैसे हमने उधर टेंशन्स के कंपोनेंट ब्रेक किए थे, इधर भी करेंगे। ये एंगल कितना होगा, यहाँ से हम क्लियर समझ लेते हैं, ये थीटा टू है तो हमारा ये भी क्या होगा, थीटा टू होगा। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया, थीटा टू। तो इस थीटा टू के कारण इस टी टू का कंपोनेंट हमारा अपवर्ड आएगा और अपवर्ड क्या होगा, टी टू कॉस थीटा टू। एंड इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल आएगा लेफ्टवर्ड वो आएगा टी टू साइन थीटा टू। ये फोर्सेस हमारी इस पर एक्ट कर रही हैं, टोटल फोर्सेस। अब हमने ये देखना है कि इसके जो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना है इसके कारण हमारी फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लाते हैं, उससे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी और उस फर्दर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम बनाते हैं अभी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। हम पहले फर्स्ट मास को ले लेते हैं। फर्स्ट मास पे देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, क्लियर। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स देखें तो हमारी फर्स्ट जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो है हमारा पहला m1x1 डबल डॉट प्लस t1 sin theta 1 माइनस t2 sin theta 2 इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि इस पे वर्टिकल फोर्स कौन सी लग रही है, वर्टिकल फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, देख लेते हैं। मास m1 की बात कर रहे हैं अभी हम, ये हमारी लग रही है वर्टिकल, एक लग रहा है हमारा m1g प्लस t2 cos theta 2 इक्वल टू t1 cos theta 1, क्लियर। ये तो हमारा हो गया जो मास m1 पे लग रहा है। अब हम मास m2 का भी पिक्चर में ले लेते हैं, इसी को हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मास m2 पे। m2 में देखिए तो हम क्या लगता है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में m2x2 डबल डॉट प्लस t2 sin theta 2 इक्वल टू 0, क्लियर, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम अगर इसमें वर्टिकल फोर्सेस देखें, मास m2 पे जो एक्ट कर रहा है वो होगा हमारा m2g इक्वल टू t2 cos theta 2, क्लियर। अब अगर m2g इक्वल टू t2 cos theta 2 देखें, हमने एक अजम्पशन अपने मैकेनिकल वाइब्रेशन में हमेशा एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। इट मीन्स इस केस में जो हमारा थीटा वन और थीटा टू होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हमारा कॉस थीटा वन अप्रोक्सीमेट क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा वन और हमारा कॉस थीटा टू आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कॉस जीरो इक्वल टू वन। मीन्स m2g इक्वल टू t2, m2g इक्वल टू t2, ये फर्स्ट थिंग आ गई मेरी। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें भी पुट कर सकता हूँ, क्लियर। तो हम देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे हमने पुट किया इसका और हम देखते हैं ये क्या आ रहा है, m1g इक्वल टू t1 माइनस t2, t2 कितना है मेरा m2g, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा t1 इक्वल टू m1 माइनस m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g। तो मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई। एक्चुअल में हमने यहाँ पर किया है कि t1 और t2 को हमने ग्रेविटेशनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये जो टेंशन है ये इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ही आ रही है, इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो ग्रेविटेशन इफेक्ट के कारण है, इसलिए हमने t1 और t2 को ग्रेविटेशन फोर्स में
ग्रेविटेशन के पैरामीटर्स में लेकर आ गए हैं। अब हम इस इन T1 और T2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे टू सिंप्लीफाई इट। क्लियर, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये X1 है वेरिएबल, ये θ1 वेरिएबल, θ2 वेरिएबल, इसमें X2 इसमें θ2, हम इसको जो है एक ही पैरामीटर में, वेरिएबल्स हमारी एक ही फॉर्म में रहे, चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहे X1 X2, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहे θ1 θ2, तो हम क्या करते हैं इसमें एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स हम θ1 θ2 को X1 और X2 की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इस वाले को जो हमारा सेकेंड फिगर है, इसको अगर हम फोकस करें इस वाले फिगर को, तो हम क्या देखते हैं साइन θ1 क्या होगा, साइन θ1, ये θ1 है, साइन θ1 क्या होगा हमारा अप्रोक्सीमेट x1 बाय l1। क्लियर, और साइन θ2 क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ट्रायंगल। साइन θ2 क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये कितना होगा x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय l2। क्लियर, तो साइन θ1 है हमारा x1 बाय l1 और साइन θ2 है हमारा x2 माइनस x1 बाय l2। सो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम ज्योमेट्री क्या कहती है, साइन θ1 इक्वल टू x1 अपॉन l1 एंड साइन θ2 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन l2। साइन θ1 है हमारा x1 बाय l1 एंड साइन θ2 है x2 माइनस x1 अपॉन l2। क्लियर, अब हम इस साइन θ1 की वैल्यू, साइन θ2 की वैल्यू, इस T1 की वैल्यू, इस T2 की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 में पुटअप करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन 1 है हमारी m1 x1 डबल डॉट प्लस t1 साइन θ1 माइनस t2 साइन θ2 इक्वल टू 0। क्लियर, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारी इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 से आ जाता है m1 x1 डबल डॉट प्लस m1 प्लस m2 अपॉन l1 जी इंटू x1 इक्वल टू m2 जी x2 माइनस x1 अपॉन l2। क्लियर, अब हम क्या करते हैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कि x1 वाली टर्म लेफ्ट साइड में और x2 वाली टर्म राइट साइड में। हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमारी इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री फ्रीडम में क्या करते हैं, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है तो हम एक वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड कर लेते हैं, सेकंड वेरिएबल को राइट साइड कर लेते हैं, मतलब सेग्रीगेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही करते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा m1 x1 डबल डॉट प्लस m1 अपॉन l1 प्लस m2 अपॉन l1 प्लस m2 अपॉन l2 जी x1 इक्वल टू m2 जी x2 बाय l2। क्लियर, इसको हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी, m2 x2 डबल डॉट प्लस t2 साइन θ2, t2 की वैल्यू है हमारे पास m2 जी और साइन θ2 की वैल्यू हमारे पास x2 माइनस x1 बाय l2। तो पुटअप कर दीजिए आप लोग भी, m2 x2 डबल डॉट प्लस m2 जी x2 माइनस x1 अपॉन l2 इक्वल टू 0। फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x2 वाली टर्म लेफ्ट साइड, x1 वाली टर्म राइट साइड, m2 x2 डबल डॉट प्लस m2 जी अपॉन l2 x2 इक्वल टू m2 जी x1 अपॉन l2। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड है और फोर्थ है, हम क्या करते हैं, अब जब हमारे पास ये वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन हो जाता है इक्वेशन ऑफ मोशंस का,
तब हम करते हैं क्या, प्रिंसिपल मोड्स की कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल मोड्स निकालने हैं। और प्रिंसिपल मोड की कंडीशन क्या है कि जो हमारी मोशन हो रही है वो हमारा क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रही है, मतलब कि दोनों मासेस हमारा एक किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, प्रिंसिपल मोड ये कहता है। तो फ्रॉम कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मोड, फ्रॉम कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मोड, क्या कहता है हमारा प्रिंसिपल मोड कि x1 इक्वल टू, इसमें वेरिएबल्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरिएबल क्या है x1 और x2, तो x1 इक्वल टू हम मान लेते हैं एक वेरिएबल, इसका एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा t, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है ओमेगा, तो इट मींस कि हमारा जो दूसरा मास है जो x2 वाइब्रेट डिस्प्लेस हो रहा है वो भी सेम फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रहा होगा साइन ओमेगा t, क्लियर। तो यहाँ से x1 डबल डॉट और यहाँ से x2 डबल डॉट, क्या आएगा मेरे पास x1 डबल डॉट माइनस में a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x2 डबल डॉट माइनस में a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, क्लियर। अब देखिए x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट की वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में पुट करनी है, और पुट करने के बाद ये जो हमारी इक्वेशन है सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास आ जाती है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये आ जाता है हमारे पास m माइनस में m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 अपॉन l1 प्लस m2 अपॉन l2 g टू में a1 इक्वल टू m2 g अपॉन l2 a2, क्लियर। अब इसमें से हम a1 बाय a2 निकाल लेते हैं, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज a1 बाय a2 इक्वल टू m2 l2 अपॉन m2 बाय l2 ऑन g, अब यहाँ पे m1 प्लस m2 अपॉन l1 प्लस m2 अपॉन l2 g माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर हम डायरेक्ट इसमें a1 बाय a2 लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसमें x2 और x2 डबल डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसमें से a1 a2 निकालेंगे, a1 बाय a2 निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है m2 g अपॉन l2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन m2 अपॉन l2 g, इक्वेशन नंबर सिक्स, क्लियर। अब अगर हम इन इक्वेशन हम नेक्स्ट क्या करते हैं, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम में स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, पहला स्टेप क्या होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना, सेकंड स्टेप होता है उस इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करता है प्रिंसिपल मोड के लिए उसको एज्यूम करते हैं कि x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t, फिर हम क्या करते हैं उसको इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देते हैं और वहाँ से a1 बाय a2 का रेशो निकालते हैं दोनों इक्वेशन में। अब क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों ही क्या है a1 बाय a2 का रेशो है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इक्वेटिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अच्छा उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी इक्वेशन हो जाएगी, तो हम उसके लिए एक केस लगा देते हैं स्पेशल केस, ताकि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो मासेस हैं m1 और m2 ये इक्वल है, मींस ये मास है सेम, एक m है, और लेंथ हमारी क्या है दोनों पेंडुलम के स्ट्रिंग की लेंथ भी हमारी क्या है l1 इक्वल टू l2 इक्वल टू l है। अब ये मेरी इक्वेशन एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी, उस सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं इन इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ, इक्वेशन 5 एंड 6, क्लियर। उनको इक्वेट इन m1 m2 m के इक्वल पुट करते हैं, l1 l2 l के इक्वल पुट करते हैं, तब हम इसको इक्वेट करते हैं,
और इक्वेट करने के बाद जब मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, ओमेगा 4 अपॉन जी स्क्वेयर माइनस 4 ओमेगा स्क्वेयर अपॉन एल जी प्लस 2 अपॉन एल स्क्वेयर इक्वल टू 0। क्लियर? और अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा फोकस करें तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। क्लियर? ये आपका ओमेगा स्क्वायर, एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये मतलब ये सी हो गया। तो हमारा ए क्या है, 1 अपॉन जी स्क्वायर, बी क्या है, 4 अपॉन एल जी, सी क्या है, 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे कंसेप्ट लगा के इसके रूट्स निकाल लेते हैं, और रूट में हमें क्या मिल जाती है, इक्वेशन मिल जाती है ओमेगा एन 1 ओमेगा एन 1 इक्वल टू, ये हमारे पास में आएगा रूट में जी बाय एल 2 माइनस रूट 2। क्लियर? एंड सेकेंड रूट हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल 2 प्लस रूट 2। ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, पहले आपको इक्वेट करके इस फॉर्म में लेके आना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है, तब आपने वहाँ से ये रूट निकाला, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। डबल पेंडुलम के केस में अगर दोनों का मास सेम है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, तब मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्लियर? अब हम क्या करते थे, जब फ्रीक्वेंसी निकल जाती थी उसके बाद हम मोड निकालते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, मोड निकाल देते थे। और मोड निकालने के लिए क्या करते थे हम, जो हमारा A1 by A2 आया है इक्वेशन 5 और 6 में, हमने A1 by A2 निकाला है। चाहे इक्वेशन 5 ले लीजिए, चाहे इक्वेशन 6 ले लीजिए, दोनों में से कोई इक्वेशन ले लीजिए और उसमें पहले आप ओमेगा N1 पुट कर दीजिए। ठीक है, और चाहे आप N2 पुट कर दीजिए, उससे कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो हम पुट ओमेगा N1 इधर इन इक्वेशन 5 और 6। ठीक है, हाँ, इक्वेशन 5 और 6 में आप M1 इक्वल टू M2 पुट कर लीजिएगा M के इक्वल, और L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास पुट करने के बाद ये मोड आएगा, A1 by A2 किस फ्रीक्वेंसी के लिए निकाला, 1 के लिए, तो ये फर्स्ट मोड आ गया 1 के लिए। और ये मेरे पास आ रहा है -1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0.414। फिर सिमिलरली A1 by A2 सेकेंड मोड के लिए क्या आएगा हमारे पास, हम उसमें सेकेंड वो पुट कर देंगे, माइनस में रूट 2, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 2.414। अब ये मेरे पास दो मोड्स आ गए, फर्स्ट मोड है मेरा 0.414, सेकेंड मोड है माइनस में 2.414। नेक्स्ट क्या करते थे हम, मोड शेप ड्रॉ करते थे। नेक्स्ट क्या करते थे हम, मोड शेप ड्रॉ करते थे। और मोड शेप में क्या करते हैं हम, मोड शेप में हम क्या करेंगे कि मोड शेप क्या होता है हमारा, कि ये मेरे पास देखिए क्या था, पेंडुलम था, हम फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये मेरे पास क्या था, एक मास M1 था, इसकी लेंथ L1 थी, ये दूसरा मास था M2, ये M1, इसकी L2। क्लियर? अब हम फर्स्ट केस के लिए करेंगे, फर्स्ट मोड के लिए हॉरिजॉन्टल एक रेफरेंस लाइन ले ली हमने, ये रेफरेंस लाइन कौन सी, ये वाली जो हम, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन में जो पेंडुलम था। ठीक है, ये इसका मास M1 के लिए। अब देखिए फर्स्ट मोड क्या कहता है कि A1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0.414 A2, A1 इक्वल टू 0.414 ऑफ A2, इट मीन्स A2 ग्रेटर होगा, A1 स्मॉलर होगा। ठीक है, A2 ग्रेटर होगा, A1 स्मॉलर होगा, सॉरी हमें नीचे का एंड फिक्स नहीं करना है। तो हमारा A2 का डिस्प्लेसमेंट सपोज हुआ 1, A2 का डिस्प्लेसमेंट सपोज हुआ 1, तो हम इसको A2 लिख लेते हैं। क्लियर? अब देखिए A1 कितना होगा, A1 जो है A2 का 0.414 होगा, मीन्स स्मॉलर होगा इससे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 अप्रोक्सीमेट 0.414। ठीक है, तो अब इसको इस
से स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और इसको इस स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, इसका मोड शेप आ जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा फर्स्ट मोड है, ये कौन सा मेरा फर्स्ट मोड। अब हम ड्रॉ करते हैं हमारा सेकंड मोड। देखिए सेकंड मोड, ठीक, ये दो मासेस थे मेरे यहाँ पे, यहाँ पे। अब सेकंड मोड क्या कहता है कि A1 इक्वल टू माइनस 2.414 है, A1 इक्वल टू माइनस 2.414 है। इट मीन्स माइनस साइन का मीन्स है कि अगर आपका एक लेफ्ट साइड में जा रहा है तो दूसरा राइट साइड में जा रहा होगा, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है तो दूसरा राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, और A1 हमारा A2 से ग्रेटर आ रहा है, कितना ग्रेटर आएगा, 2.414 टाइम्स ग्रेटर आएगा। तो सपोज A1 है मेरा, A2 है मेरा 1, A2 मेरा 1 है, A1 कितना होगा इसका 2.414 टाइम्स ग्रेटर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो ये मेरा आ जाएगा ये, और ये कितना होगा 2.414 ऑफ A2 होगा, ये कितना था मेरा A1 0.414 ऑफ A2 था, ये 2.414 ऑफ A2 है। क्लियर, तो इसको हम अब क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ये इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। जब मेरा ये पेंडुलम वाइब्रेट करेगा तो ये पॉइंट मेरा क्या रहेगा, उस मेन पोजीशन पे रहेगा। क्लियर, तो ये हमारा हो गया मोड शेप, फर्स्ट मोड शेप एंड सेकेंड मोड शेप। तो हमने क्या क्या निकाल दिया इसमें, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, देन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसको एज्यूम करना है प्रिंसिपल मोड के लिए कि x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। देन हमने उसमें उसकी उस इक्वेशन ऑफ मोशन में x1 और x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद a1 बाय a2 निकालेंगे दोनों इक्वेशन से, फिर उन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, a1 बाय a2 को दोनों साइड के इक्वेशन से इक्वेट कर लेंगे। फिर हमने स्पेशल केस ले लिया, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता तो उसका डाटा दिया होगा, आप डायरेक्ट डाटा पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेंथ सेम ले ली, मासेस सेम ले लिया, उसको सिंप्लीफाई करके हमने इसके फ्रीक्वेंसी निकाल दी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने क्या किया, वो पहली फ्रीक्वेंसी को A1 बाई A2 में पुट किया तो एक मोड शेप आया, दूसरी फ्रीक्वेंसी को A1 बाई A2 में पुट किया तो दूसरा मोड शेप आया, मोड आया। फिर हमने उस मोड की हेल्प से मोड शेप ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, मोड शेप। क्लियर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्शनल पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, उसके डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उसके न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे गए हैं। तो फिर सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।